हरि ओम। देवशयनी एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीन लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादो में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। हरि ओम।